हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की टेक्निक यूज करेंगे टू सॉल्व इनडेफिनेट इंटीग्रल्स ओके ये एन में बेटा एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री है दिस इज़ द सेकेंड टेक्निक बेसिकली वी आर यूजिंग सेवन पॉइंट टू में हमने सब्सटीट्यूशन मेथड सीखा था आज हम सीखेंगे हाउ टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री ओके, okay. सो so, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है वीडियो का पार्ट वन नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन मैं आपको चार फार्मूलाज नए बताना चाहूँगा बेटा ये डिराइव्ड रिजल्ट हैं इनको डिराइव किया गया है सब्सटीट्यूशन मेथड से जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो आप माइनस लॉग कॉस एक्स यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसमें लॉग ऑफ सीकेंड एक्स भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कॉसक्स का रेसिप्रोकल सीकेंड होता है और जो माइनस साइन आप देख रहे हैं लॉग के आगे वो पावर में आ जाएगा तो वो लॉग ऑफ सीकेंड एक्स बन जाएगा बेटा प्लस सी तो ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है सब्सिट्यूशन मेथड से अगर हम टैन एक्स को लिखें साइन अप कॉस और नीचे वाला डिनोमिनेटर कॉसैक्स को टी पुट कर दें तो न्यूमरेटर माइनस डी टी बन जाएगा सो तो जिससे ये आंसर आएगा माइनस लॉग कॉस एक्स विच कैन बी रिटर्न एज लॉग ऑफ सीकेंट एक्स सिमिलर मैनर में बेटा कॉटेक्स का इंटीग्रल का फॉर्मूला भी डिराइव किया गया है सब्सटीट्यूशन मेथड से अगर हम कॉट को लिखें कॉस बाय साइन और नीचे वाले साइन एक्स को टी पुट कर दें तो ऊपर कॉस एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स ठीक है तो ये फॉर्मूलाज हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे वेन एवर रिक्वायर्ड वेनएवर रिक्वायर्ड नाउ थर्ड फॉर्मूला जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सी कंट एक्स अब सीकेंट एक्स की जो इंटीग्रेशन है अगेन ये डिराइव की गई है ओके okay? इसका फार्मूला लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली इट इज़ लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स इट इज़ लॉग ऑफ सी कंटैक्स प्लस टेन एक्स ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया लेट मी एक्सप्लेन यू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स में हम एक ट्रिक लगाएंगे बेटा हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे बाई सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे बाई सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स नाव जैसे कि आप देख पा रहे हैं अगर मैं डिनोमिनेटर को टी पुट कर दूं, डिनोमिनेटर को दैट इज सेक एक्स प्लस टेन एक्स तो इसका जो डेरीवेटिव है बेटा सेक एक्स का डेरीवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स और वो आप देखेंगे न्यूमरेटर में सेक एक्स और टेन एक्स को मल्टीप्लाई करके आएगा प्लस टेन एक्स का डेरीवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायेयर एक्स तो जब आप न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी सीकेंड स्क्र एक्स तो दैट मीन्स इसका डेरीवेटिव न्यूमरेटर में है तो इसका आंसर होगा लॉग ऑफ मॉट टी सो दैट इज टी को हमने क्या पुट किया था बेटा सेक एक्स प्लस टेन एक्स सो दैट इज वाई द फार्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स इज लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स सो अगेन इट इज डिराइव फ्रॉम सब्सटीट्यूशन ना फोर्थ फार्मूला फोर्थ फार्मूला है बेटा इंटीग्रेशन अगर आपको चाहिए कॉसेक एक्स की कॉसक एक्स की इंटीग्रेशन तो अगेन इसको डिराइव किया गया है द फॉर्मूला इज लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉटिक्स लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉटेक्स सो अगेन इसमें ट्रिक लगाई जाती है अगर आपको इसे डिराइव करना है तो हम क्या करते हैं हम ऊपर कॉसेक एक्स को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बाय एक्स माइनस कॉटेक्स ओके कॉसक एक्स माइनस कॉटेक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हम डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर को टी पुट कर देंगे तो न्यूमरेटर ऑटोमेटिकली उसका डेरीवेटिव बनेगा आप चेक कर सकते हैं सो लॉग ऑफ मॉट टी प्लस सी सो दैट मीन्स इट इज़ लॉग ऑफ कॉसिक्स माइनस कॉटेक्स तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ हमने चार नए फार्मूलाज अभी अभी लर्न किए टेन एक्स का इंटीग्रल अगर आपसे कोई पूछे तो माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सी कैंट एक्स दोनों में से कोई भी आंसर आप दे सकते हैं देन कॉटेक्स का इंटीग्रेशन कोई पूछे तो इट इज़ लॉग ऑफ साइन एक्स ओके देन सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन कोई पूछे तो दैट इज लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स एंड अगर कॉसेकैक्स का इंटीग्रेशन आपसे कोई पूछे तो दैट इज़ लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स ये चारों फार्मूलाज हमने डिराइव किए हैं यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड ओके सो दीज आर द फोर फार्मूलाज जो हम यूज़ करेंगे वेन एवर रिक्वायर्ड नाउ आफ्टर दिस मैं आपको चार हिंट्स बता रहा हूँ दीज आर नॉट बेसिकली द फॉर्मूलाज दीज आर द हिंट्स अगेन हम इसे यूज़ करेंगे वेन एवर रिक्वायर्ड ये देखिए इंटीग्रेशन में अगर साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला तो हम साइन स्क्वायेयर को लिखेंगे वन माइनस कॉस डबल एंगल डिवाइडेड बाई टू ये फॉर्मूला हमने इलेवंथ स्टैंडर्ड में पढ़ा था बेटा साइंस स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे वन माइनस कॉस डबल एंगल डिवाइडेड बाई टू एंड देन वी कैन इंटीग्रेट इट ईजिली इसी तरह से अगर कॉस एक्स आपके पास आता है इंटीग्रेशन में तो आप इसे लिख सकते हैं बेटा वन प्लस कॉस डबल एंगल बाई टू वन प्लस कॉस डबल एंगल बाई टू ओके लेकिन याद रखिएगा अगर ये टर्म एलोन होगी तभी हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे अगर आपके पास टैन स्क्वेयर एक्स की इंटीग्रेशन पूछी जाए टैन एक्स तो आप टैन एक्स को लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायेर एक्स माइनस वन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुला ऑफ टेंथ स्टैंडर्ड ये हमने टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ा था बेटा एंड अगर कॉट स्क्वायर एक्स आपसे कोई पूछा जाए तो कॉट स्क्वायेयर को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वेयेर एक्स माइनस वन ये भी अगेन टेंथ स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है तो आपने नोटिस करा ये चार हिंट्स हैं ये चारों हिंट्स हम यूज़ करेंगे वेन एवर द सिचुएशन अराइजेस सो ये जो हमने अभी तक डिस्कशन करी प्लीज़ लिसन केयरफुली तो हमने मुझे एक बात बताइए मैं एक लिस्ट बनाने जा रहा हूँ और हम देखेंगे कि हमें क्या इन सब के इंटीग्रेशन आते हैं लिसन केयरफुली हाँ सो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए साइन एक्स का इंटीग्रेशन वी नो यस इट इज़ माइनस कॉस एक्स देन कॉसक्स का इंटीग्रेशन वी नो यस इट इज़ साइन एक्स देन टैन एक्स का इंटीग्रेशन हमने अभी फॉर्मूला बनाया था देन कॉटक्स का इंटीग्रेशन अगेन हमने आज ही फॉर्मूला लर्न किया है देन सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन हमने आज ही लर्न किया है एंड कॉसक एक्स का इंटीग्रेशन भी हमने आज लर्न किया है तो दैट मीन्स ऑल द सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का फॉर्मूला अब हमारे पास है ठीक है आगे चलते हैं अगर साइंस स्क्वायर एक्स आ जाता है तो हमने अभी टेक्निक लर्न की कि साइंस स्क्वायर को हम लिखेंगे वन माइनस कॉस डबल एंगल बाई टू इसी तरह अगर कॉस स्क्वायेयर एक्स आ जाता है तो हमने अभी टेक्निक लर्न करी कि हम इसे लिखेंगे वन प्लस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई टू अगर टेन स्क्वायर आ जाता है तो हमने अभी लर्न किया कि हम इसको लिखेंगे सीकेंड स्क्वायेयर एक्स माइनस वन एंड देन वी विल इंटीग्रेट इट एंड अगर हमारे पास कॉट स्क्वायेयर एक्स आ जाता है तो हम इसको लिखेंगे कॉसेक्स स्क्वायेयर एक्स माइनस वन एंड देन वी विल इंटीग्रेट और सीकेंड स्क्वायेयर एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रल होता है बेटा टेन एक्स एंड कॉसक्स एक्स का भी डायरेक्ट इंटीग्रल होता है दैट इज माइनस ऑफ कॉट एक्स ओके नाउ आगे चलते हैं बेटा अब हमें देखना है कि अगर आपके पास क्यूब आ जाए यू नो साइन क्यूब एक्स कॉस्ट्यूब एक्स टैन क्यूब एक्स देन कॉट क्यूब एक्स क्यूबिक फंक्शन यू नो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपके पास क्यूबिक फंक्शन आता है तो हम उसको कैसे प्रोसीड करेंगे या फिर आपके पास अगर पावर फोर आ जाती है तो हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे नाउ नेक्स्ट पार्ट में मीन्स अभी अभी हम नेक्स्ट पेज पे ये वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको क्यूब आने पे या पावर फोर आने पे किस तरह से प्रोसीड किया जाता है वो समझाया जाएगा सो लिसन केयरफुली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास कोई भी सिचुएशन एराइज़ होती है चाहे वो पावर वन हो सिक्स टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात कर रहे हैं बेटा या पावर टू हो या पावर थ्री हो या पावर फोर हो या सो ऑन ज़्यादातर यही चार पावर्स होती हैं बेटा तो हमें कैसे प्रोसीड करना है तो हम फर्स्ट टू कॉलम्स कर चुके हैं बेटा फर्स्ट टू कॉलम्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं अब हम नेक्स्ट टू कॉलम्स पे आते हैं बेटा नेक्स्ट टू कॉलम्स ओके नेक्स्ट टू कॉलम्स तो इसके लिए मैं एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चंस उठा रहा हूँ ओके एंड टाइप्स बना रहा हूँ बेटा टाइप्स सो लिसन केयरफुली जो मैं टाइप वन लेने जा रहा हूँ टाइप वन ठीक है टाइप वन के अंदर हमारे पास एन का मैं क्वेश्चन नंबर वन और फोर पिक करूँगा क्वेश्चन नंबर वन और फोर पिक करूंगा बेटा सो लिसन केयरफुली एन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज की बात हो रही है सेवन पॉइंट थ्री ठीक है सो so ये क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें इंटीग्रेट करना है बेटा साइंस स्क्वेयर साइंस स्क्वेयर टू एक्स प्लस फाइव तो मैंने अभी अभी, अभी आपको ट्रिक बताई थी कि साइंस स्क्वेयर जब भी आए तो हम इसे क्या लिखेंगे बेटा वन प्लस कॉस डबल एंगल एंगल का डबल कर दिया जाएगा एंड डिवाइडेड बाई टू ओके सो so, ये आइडेंटिटी हमने इलेवंथ क्लास की यूज़ करी अब हाफ तो बाहर आ जाएगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ वन इज़ एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन ऑफ फोर एक्स प्लस टेन बट क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है सो डिवाइडेड बाई फोर सो दिस इज़ माई आंसर दिस इज़ माई आंसर तो अगर आपके पास साइंस स्क्वेर आ जाए या कॉस स्वार आ जाए तो हम इलेवंथ की आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं ओके okay? अब मैं क्वेश्चन नंबर फोर लेने जा रहा हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर फोर है आपको इंटीग्रेट करना है साइन क्यूब साइन क्यूब टू एक्स प्लस वन साइन क्यूब टू एक्स प्लस वन अब ध्यान से सुनिएगा साइन क्यूब टू एक्स प्लस वन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं बेटा इसका पहले मेथड नंबर वन बताता हूँ आपको मेथड नंबर वन में हम क्या करेंगे हम साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे साइन ट्रिपल एंगल में से ध्यान दीजिए हमारे पास साइन थ्री थीटा क्या होता है बेटा थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा यस ये हमने फॉर्मुला पढ़ा था इलेवेंथ क्लास में तो अगर हम इसे रीशफ़ल करें तो मुझे साइन क्यूब थीटा क्या मिलेगा थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा होल डिवाइडेड बाय फोर सो ये जो हमने टेक्निक यूज़ करी है हमने इलेवेंथ क्लास की आइडेंटिटी यूज़ करी तो अब मेरा जो इंटीग्रल है अगर मैं ये टेक्निक यूज़ करता हूँ तो नीचे होल डिवाइड में फोर आएगा ऊपर है थ्री साइन थीटा थीटा है टू एक्स प्लस वन माइनस साइन ट्रिप्पल एंगल साइन ट्रिपल एंगल बेटा तो सिक्स एक्स प्लस थ्री आ जाएगा ब्रैकेट में ठीक है मुझे इसको इंटीग्रेट करना है और इसको इंटीग्रेट हम डायरेक्टली कर सकते हैं बेटा वन बाई फोर बाहर आ जाएगा देन थ्री इंटू साइन का इंटीग्रेशन थ्री एज इट इज़ साइन का होता है माइनस कॉस ऑफ टू एक्स प्लस वन लेकिन यहाँ लीनियर है तो डिवाइड बाई टू माइनस अगेन साइन का माइनस कॉस होता है बेटा तो ये प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ सिक्स एक्स प्लस थ्री और डिवाइडेड बाय सिक्स कर सकते हैं हम प्लस सी तो ये मैंने आपको मेथड नंबर वन बताया जिसमें हमने क्या ट्रिक लगाई बेटा ट्रिपल एंगल हमने साइन ट्रिपल एंगल में से फॉर्मूला डिराइव कर लिया साइन क्यूब थीटा का अब मैं इसका मेथड नंबर टू बताता हूँ आपको बेटा मेथड नंबर टू में लिसन केयरफुली मेथड नंबर टू में हम क्या करेंगे जो हमें साइन क्यूब टू एक्स प्लस वन गिवन था उसमें से एक साइन स्क्वेयर अलग कर देंगे और एक साइन अलग कर देंगे लिसन केयरफुली मैंने दो साइन अलग कर दिए और एक साइन अलग कर दिया अब साइंस स्क्वेयर को मैं वन माइनस कॉस स्क्वेयर लिख दूंगा बेटा साइंस स्क्वायेयर थीटा को वन माइनस कॉसक्वेयर थीटा लिख दूंगा ये मैं सब्स्टिट्यूशन को देखते हुए कर रहा हूँ बेटा सब्स्टिट्यूशन ध्यान से सुनिएगा अब हम क्या करेंगे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉस ऑफ टू एक्स प्लस वन को t क्योंकि कॉस ऑफ टू एक्स प्लस वन का जो डेरिवेटिव होगा बेटा वो माइनस साइन ऑफ टू एक्स प्लस वन होगा और टू एक्स प्लस वन का इंटू टू ओके ये डी टी बाई डी एक्स आएगा और साइन टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स डी एक्स ऊपर लेकर आ रहा हूँ बेटा तो माइनस टू नीचे चला जाएगा डी टी अपॉन माइनस टू तो ये हमारी सब्सटीट्यूशन हो गई सो योर इंटीग्रल नाओ बिकम्स वन माइनस टी स्क्र एंड डी टी अपॉन माइनस टू यस तो अब वन अपॉन माइनस टू तो बेटा बाहर आ जाएगा माइनस हाफ और वन का इंटीग्रेशन टी होगा क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी और टी स्क्र का होगा टी क्यूब बाई थ्री ओके और अब आप टी की वैल्यू सब्सिट्यूट कर सकते हैं एक बार शुरू से देखिए प्लीज़ आपके पास अगर क्वेश्चन में साइन क्यूब आता है या कॉस्ट क्यूब आता है दोबारा सुनिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसके दो मेथड्स बताए मैंने आपको मेथड नंबर वन है जिसमें आपको साइन ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले में से डिराइव करना होगा साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला और फिर आप साइन क्यूब की जगह पे सब्सटीट्यूट कर देंगे वो फॉर्मूला एंड देन यू विल इंटीग्रेट डायरेक्टली बट सेकेंड मैथड में हमें सब्सटीट्यूशन यूज करना है सेकेंड मैथड तो हम साइन क्यूब को स्प्लिट कर देंगे साइन स्क्वेयर इंटू साइन अगर कॉसक्यूब होता तो हम स्प्लिट कर देंगे बेटा कॉस स्क्वेयर इंटू कॉस और फिर जो पहली टर्म है साइन स्क्वेयर वाली उसे हम वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा लिखेंगे बिकॉज मुझे कॉस को टी पुट करना है ताकि जो साइन वाला पार्ट है डी एक्स के साथ मैं चाहता हूँ वो डी टी बन जाए एंड आफ्टर सब्सिट्यूशन हम ईजिली इसको इंटीग्रेट करेंगे और टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो इस टाइप में हमने कवर किया बेटा स्क्वायर वाले सारे ऑप्शन एंड क्यूब वाले सारे ऑप्शन ओके okay. नाउ अब मैं टाइप टू लेने जा रहा हूँ टाइप टू अब जो मैं टाइप टू ले रहा हूँ बेटा मैं टाइप्स जान के बना रहा हूँ सो दैट आपको ईजी लगेगा बेटा नाइट टाइप टू में अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर टेन और क्वेश्चन नंबर इलेवन और क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ये तीन क्वेश्चन लूँगा बेटा मैं एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री के टेन इलेवन एंड सिक्सटीन आप भी यही टाइप्स को फॉलो कीजिएगा प्लीज़ हाँ क्वेश्चन टेन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस्टू पार फोर एक्स ध्यान दीजिए साइन रेस टू पार फोर एक्स तो अब हम इसमें क्या करेंगे लिसन केयरफुली हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर यस बेटा साइन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर में अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इलेवेंथ क्लास वाला वन माइनस कॉस डबल एंगल बाय टू यस और अब हम इस होल स्क्वेयर को ओपन कर देंगे तो नीचे फोर आएगा ऊपर वन प्लस कॉस्को टू एक्स माइनस टू कॉस टू एक्स ये हमने कुछ नहीं किया होल स्क्वेयर को ओपन कर दिया नाउ एज यू कैन सी वन बाय फोर तो बाहर आ जाएगा बेटा अंदर वन का इंटीग्रेशन हम ओरली कर सकते हैं बट कॉस्क्वाय टू एक्स का इंटीग्रेशन ओरली नहीं हो सकता तो इसको हम दोबारा से लिखेंगे वन प्लस कॉस डबल एंगल याद रखिएगा एंगल का डबल किया जाएगा अपॉन टू माइनस टू कॉस टू एक्स ठीक है बेटा मैंने क्या किया मैंने कॉस स्क्र टू एक्स का दोबारा से फॉर्मूला लगा दिया इलेवेंथ स्टैंडर्ड वाला अब हम फाइनली एलसीएम लेंगे एलसीएम वाला टू मैं बाहर लेकर जा रहा हूँ एट हो गया अंदर ब्रैकेट में आपके पास बचेगा एलसीएम लेने पे टू प्लस वन दैट इज़ थ्री प्लस कॉस फोर एक्स माइनस फोर कॉस टू एक्स अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि आप इन सब का इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हैं बेटा ये देखिए थ्री का इंटीग्रेशन थ्री एक्स कॉस फोर एक्स का होगा बेटा साइन फोर एक्स डिवाइडेड बाई फोर एंड माइनस फोर साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस सी बस अब हम कुछ कैंसलेशंस कर सकते हैं बस दिस इज़ माई आंसर दोबारा से देख लीजिए साइन रेजिटोपार फोर अगर आता है या कॉस रेजिस्टोपार फोर तो हमें इसी तरह करना होगा साइन स्क्वेयर का होल स्क्र लिख कर हमने साइंस स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगाई इलेवेंथ क्लास वाली फिर मैंने स्क्वेर ओपन कर दिया और फिर मैंने दोबारा से कॉस स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगाई इलेवेंथ क्लास वाली एंड देन फाइनली मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इलेवेंथ क्वेश्चन है दैट इज सिमिलर टू टेंथ क्वेश्चन इट इज़ कॉस रेस टू पार फोर टू एक्स सो अगेन मैं इसका सिर्फ स्टार्ट बता रहा हूँ आपको आप इसे कॉस्क्वेयर टू एक्स लिखेंगे द होल स्क्वेयर और कॉस्क्वेयर का फॉर्मूला इलेवेंथ स्टैंडर्ड वाला लगाएंगे बेटा वन प्लस कॉस डबल एंगल याद रखिएगा वन प्लस कॉस डबल एंगल बाई टू एंड फाइनली आप इसका स्क्वेयर ओपन करेंगे और स्क्वायर ओपन होने पर अगेन आप नोटिस करेंगे कि सारी टर्म्स का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली कर सकते हैं बस मिडल टर्म जो है कॉस स्क्र फोर एक्स उसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते तो आपको नेक्स्ट स्टेप में वन बाय फोर बाहर आ जाएगा कॉस स्क्र फोर एक्स को बेटा दोबारा से फॉर्मूला लगाना होगा वन प्लस कॉस डबल एंगल बाई टू वन प्लस कॉस डबल एंगल बाई टू और बस अब हम इसमें एलसीएम लेकर इंटीग्रेट कर देंगे यस yes? ये लीजिए मैं कंप्लीट कर देता हूँ हम एलसीएम लेंगे तो वन बाई एट हो गया बाहर अंदर आएगा थ्री प्लस कॉस एट एक्स प्लस फोर कॉस फोर एक्स बस अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है सो फाइनली वी हैव वन बाई एट थ्री एक्स प्लस साइन एट एक्स डिवाइडेड बाई एट प्लस फोर टाइम्स साइन फोर एक्स डिवाइडेड बाई फोर प्लस सी ओके सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवन सो टेन और इलेवन तो एक्जैक्टली exactly सेम थे बेटा एक्जैक्टली exactly सेम थे अब क्वेश्चन सिक्सटीन में आप देखेंगे क्वेश्चन सिक्सटीन बेटा इसमें आपके पास है टैन टू पार फोर एक्स यस सो टैन रेस्टू पार फोर हो या कॉट रेस्टू पार फोर ध्यान से देखिएगा इसमें हम टैन स्क्वेयर इंटू टै स्क्वेयर लिखेंगे प्लीज़ याद रखिएगा होल स्क्वायर नहीं करना बेटा टैन स्क्वायेयर इंटू टैंसर लिखेंगे और इनमें से एक टैन स्क्वेयर को हम कन्वर्ट कर देंगे सीकेंड स्क्र में सुनिए ध्यान से एक टैन स्क्वेयेर को हम कन्वर्ट कर देंगे सीकेंड स्क्वेयर में यूजिंग टेंथ क्लास आइडेंटिटी अब हम सेपरेटली डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे सेपरेटली मल्टीप्लाई तो टैंस् स्क्र इन सीकेंड स्क्वेयर ये मेरा फर्स्ट इंटीग्रल आ गया माइनस ओनली टैन स्क्वायेयर ये हमारा सेकेंड इंटीग्रल आ गया यहाँ तक क्लियर है बेटा अब आप देखेंगे जो इंटीग्रल वन है उसमें तो मैं सब्सटीट्यूशन यूज करूंगा मैंने आई वन लिख दिया बेटा और सेकेंड इंटीग्रल में मैं दोबारा से इसको लिखूंगा सीकेंड स्क्वेयर माइनस वन क्योंकि सीकेंड स्क्र माइनस वन का इंटीग्रेशन हमें आता है सो फाइनली आई वन को हम अभी सेपरेटली सॉल्व करेंगे और इसका इंटीग्रेशन हो गया सीकेंड स्क्वेयर का टेन एक्स और वन का एक्स प्लस सी अब इंटीग्रल वन को सॉल्व करने के लिए हम सब्सटीट्यूशन लगाएंगे बेटा हम टैन एक्स को टी पुट करेंगे यस yes? तो टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है सी स्क्वेयर एक्स डी एक्स और आप देखेंगे ये सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स हमारे पास इंटीग्रेशन में है ओके okay? सो so, वो डी टी हो जाएगा सो योर इंटीग्रल वन विल बिकम टी स्क्वेयर इंटू डी टी और इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा टी क्यूब बाय थ्री प्लस सी वन और टी हमारा टैन एक्स था सो so फाइनली आपका आंसर आई आ जाएगा टैन क्यूब एक्स अपॉन थ्री देन माइनस टैन एक्स प्लस एक्स प्लस सी सो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा तो याद रखिएगा प्लीज़ दोबारा देख लीजिए कि tan की रेस्टोपार फोर आ जाए या cot फोर आ जाए इसको आप दो बार यू नो टैन स्क्वेयेर इंटू टैन स्क्वेयेर लिखेंगे और टैन स्क्वेयर इंटू टैन स्क्र लिखने के बाद एक स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर माइनस वन में कन्वर्ट करेंगे और दूसरा टैन स्क्वायर एज इट इज रहेगा देन वी विल मल्टीप्लाई द ब्रैकेट एंड ओपन अप और उसके बाद फर्स्ट इंटीग्रल में आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे आई वन लिख कर और सेकेंड इंटीग्रल में स्क्वायर को दोबारा से सीकेंड स्क्वायर माइनस वन लिखेंगे और I1 को हमें सेपरेटली लिखकर करना होगा बिकॉज हमें सब्सटीट्यूशन सिर्फ इंटीग्रल वन में लगानी है तो हम इसे सेपरेटली लिखकर करेंगे सॉल्व और आपने देखा जैसे कि इंटीग्रल वन सॉल्व होने के बाद मैंने आई वन के आंसर को वापस सब्सटीट्यूट कर दिया वापस सब्सिट्यूट कर दिया तो हमने अभी तक टाइप वन और टाइप टू किया बेटा टाइप वन में मैंने कवर अप किया था साइन स्क्वेयर और साइन क्यूब वाले टाइप्स और टाइप टू में हमने लिया साइन टू पार फोर कॉस रेज टू पार फोर टैन टू पार फोर बिल्कुल सिमिलर वे में कॉट रेस टू पार फोर सीकेंट रेज टू पार फोर या कॉसैक रेज टू पार फोर को भी हम सॉल्व कर सकते हैं फ़र्क सिर्फ इतना है कि साइन रेज टू पार फोर और कॉस रेज टू पार फोर में हमें होल स्क्वायर लिखना होता है यू नो साइंस स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर फर्स्ट है लेकिन बाकी चारों में हमें अगर टैन टू पार फोर है तो टैन स्क्वायर इंटू टैन स्क्र लिखना है ठीक है इसी तरह कॉट टू पार फोर है तो कॉट स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वेयर लिखना है इसी तरह सीकेंड रेस्टूपार फोर है तो हम सीकेंड स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वेयर लिखेंगे और एक सीकेंड स्क्वायर को हम टैन की टर्म्स में चेंज करके ब्रैकेट ओपन कर देंगे ओके तो हमारे टू रेस्टूपार फोर नाउ टाइप थ्री हम स्टार्ट करेंगे बेटा टाइप थ्री नाउ टाइप थ्री में मैं क्वेश्चन नंबर्स ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर टू थ्री सिक्स एंड सेवन ये चार क्वेश्चन है बेटा टाइप थ्री के क्वेश्चन नंबर टू थ्री सिक्स एंड सेवन मैं आपको बता दूँ टाइप थ्री में हम लोग चार फॉर्मूलाज़ यूज़ करने जा रहे हैं चार फार्मूलाज ये इलेवेंथ क्लास के फार्मूलाज हैं लिसन केयरफुली ये फार्मूलाज आपने किए हुए हैं ऑलरेडी सिर्फ सुन लीजिए बेटा टू साइन ए कॉस बी देन टू कॉसे साइन बी देन टू कॉसे कॉस बी एंड टू साइन ए साइन बी अगर आपको याद हो आपने इलेवंथ क्लास में ये चारों फार्मूलाज लर्न किए हुए हैं बेटा मैं एक बार हेल्प कर देता हूँ आपकी क्योंकि इस टाइप में हमें इन चारों फार्मूलाज का यूज़ करना होगा टू ए कॉस बी में फॉर्मूला था साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी ओके देन नेक्स्ट फॉर्मूला टू कॉसे साइन बी का था बेटा साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी देन टू कॉसे कॉस बी में फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी और टू ए साइन बी में फॉर्मूला आता है बेटा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी सो ये चार फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर टू थ्री सिक्स और सेवन में सो लेट अस टेक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू में लिख रहा हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर टू में हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थ्री एक्स इन कॉस फोर एक्स डी एक्स अब इसको जैसे कि आप देख रहे हैं कि साइन और कॉस की टर्म मल्टीप्लाई हो रही है आपस में तो हम लोग इसमें क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे बाय टू एंड मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे और अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे टू साइने कास बी टू साइन ए कॉस बी टू साइन ए कॉस बी इज साइन ऑफ ए प्लस बी इसमें ए प्लस बी सेवन एक्स है प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी ए माइनस बी इसमें माइनस एक्स आ रहा है और जैसा कि हम जानते हैं साइन में नेगेटिव एंगल आने पे माइनस साइन थीटा हो जाता है तो इसलिए ये बन जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन साइन सेवन एक्स नाउ वी विल अप्लाई फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन सेवन एक्स विच विल बी माइनस कॉस सेवन एक्स डिवाइडेड बाई सेवन एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स सो दिस विल बिकम प्लस कॉस एक्स प्लस सी सो एज यू कैन सी दैट इन क्वेश्चन नंबर टू सिंस वी हैव टू टर्म्स इन मल्टीप्लीकेशन साइन और कॉस की टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी बेटा तो हमने टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई किया टू इंटू साइने इंटू कॉस बी दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी और फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया नाउ आफ्टर क्वेश्चन नंबर टू आई एम टेकिंग अप क्वेश्चन नंबर थ्री ना क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको इंटीग्रेट करना है कॉस टू एक्स इंटू कॉस फोर एक्स इंटू कॉस सिक्स एक्स ये तीन कॉस की टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं बेटा तो इसमें से हम किसी भी दो का पेयर लेंगे और टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो so सपोज मैंने ले लिया कॉस टू एक्स एंड कॉस फोर एक्स ओके ब्रैकेट में और कॉस सिक्स एक्स को हमने बाहर रखा है आई रिपीट आप कोई भी दो टर्म्स ले सकते हैं बेटा कोई कंपल्शन नहीं है सो so नाओ आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज टू कॉस ए कॉस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी सो नाओ कॉस में नेगेटिव एंगल जो है वो प्लस हो जाता है कॉस में नेगेटिव एंगल प्लस हो जाता है सो नेक्स्ट स्टेप में आप नोटिस करेंगे इट विल बिकम कॉस ऑफ सिक्स एक्स मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ बेटा इंटू कॉस ऑफ सिक्स एक्स तो कॉस स्क्र सिक्स एक्स आएगा प्लस कॉस ऑफ टू एक्स क्योंकि कॉस में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है बेटा सो कॉस ऑफ टू एक्स इंटू कॉस ऑफ सिक्स एक्स मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कॉस ऑफ कॉस स्क्र सिक्स एक्स का फॉर्मुला यूज़ करेंगे कॉस स्क्र सिक्स एक्स का वन प्लस कॉस डबल एंगल डिवाइडेड बाय टू और सेकेंड टर्म में हम दोबारा टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड सो दैट ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाए अब एलसीएम वाला जो टू है वो बाहर आ जाएगा बेटा वन बाई फोर हो गया और अंदर आपके पास वन प्लस कॉस ट्वेल्व एक्स प्लस टू कॉ कॉस होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी एट एक्स एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी फोर एक्स अब हमें इनको इंटीग्रेट करना होगा बेटा सो वन बाय फोर वन का इंटीग्रेशन एक्स कॉस ट्वेल्व एक्स का साइन ट्वेल्व एक्स डिवाइडेड बाई ट्वेल्व देन कॉस एट एक्स विल बी साइन एट एक्स डिवाइडेड बाई एट एंड कॉस फोर एक्स विल बी साइन फोर एक्स डिवाइडेड बाई फोर सो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर थ्री का सो क्वेश्चन थ्री में आप देखेंगे हमारे पास तीन कॉस की टर्म्स थी मल्टीप्लाई में हमने दो टर्म्स को इकट्ठा किया ब्रैकेट में और टू से मल्टीप्लाई डिवाइड एंड देन हमने इसमें फॉर्मूला लगाया टू कॉस ए कॉस बी का दैट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो फर्स्ट टर्म है कॉस स्क्वेयर सिक्स एक्स उसमें फॉर्मूला लगाया वन प्लस कॉस डबल एंगल बाई टू और सेकेंड टर्म में हमने अगेन टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया सो दैट फॉर्मूला क्रिएट हो जाए और उसके बाद फॉर्मूला लगाने के बाद हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया सो so, ये मैंने क्वेश्चन नंबर टू और थ्री कराया आपको बिल्कुल सिमिलर मैनर में क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन सिक्स में आपको बता देता हूँ उसमें तीन टर्म्स साइन की मल्टीप्लाई हो रही हैं बेटा साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स इन साइन थ्री एक्स तो इसका पहला स्टेप होगा कि आप कोई भी दो साइन की टर्म्स का पेयर ले लीजिए मान लीजिए पहला दो और टू से मल्टीप्लाई डिवाइड सेम प्रोसेस होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर थ्री किया बेटा और क्वेश्चन नंबर सेवन में आपके पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है साइन की बेटा साइन फोर एक्स और साइन एट एक्स क्वेश्चन नंबर सेवन में आपके पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो अगेन इसमें हम टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और टू साइन एस आइन बी का फॉर्मला अप्लाई करेंगे टू साइनस साइन बी का फॉर्मला अप्लाई करेंगे तो आपने देखा मैंने इस वीडियो में तीन मेन टाइप्स लिए बेटा तीन मेन टाइप्स लिए और इन टाइप्स में हमने क्या क्या कवर अप किया बेटा साइंस स्क्वायेर थीटा कॉस स्क्वायेयर थीटा टैन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायेयर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉस एक्स स्क्वायेयर थीटा सारे स्क्वायेर वाले टर्म्स हम सॉल्व कर सकते हैं आप देन क्यूब वाले सारे टर्म्स ट्रिग्नोमेट्री के देन पावर फोर वाले सारे टर्म्स ट्रिग्नोमेट्री के हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं ओके एंड देन हमने दो साइन की टर्म्स या कॉस की टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हूँ या तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो हमने टाइप थ्री में इसको कवर किया टाइप थ्री में इसको कवर किया तो इन टाइप्स पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं बेटा टाइप थ्री में मैंने आपको चार क्वेश्चंस बताए चारों डिस्कस किए हैं बेटा देन टाइप टू में मैंने आपको तीन क्वेश्चन बताए थे बेटा तीन क्वेश्चन और तीनों डिस्कस किए हैं और टाइप वन में हमने दो क्वेश्चन पिक किए थे दो क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन आप इस वीडियो के बाद प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम सेवन पॉइंट थ्री एक्सरसाइज